अगले प्रश्न की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुझे तीन हाँ चाहिए। If the answer is yes, it means that if the condition is true, then the next question, क्या यह अधिनियम के अनुसार दे है? क्या दे नहीं है वो हम पीछे देखेंगे। हमारे कुछ साथी कहते हैं ये बता दीजिए क्या क्या देना, तो यहाँ उल्टा है, यहाँ खूबसूरती है कि क्या देना है ये नहीं बताया गया, क्या नहीं देना है वो बताया गया, इसके अलावा सब कुछ देना है, तो कहते हैं नेगेटिव लिस्ट, यहाँ नेगेटिव लिस्ट है, क्या नहीं देना इसके अलावा सब कुछ देना, वो अभी हम आगे देख लेंगे। आपने कहा हाँ हाँ अधिनियम के अनुसार दे, और फिर तीसरी बार ये कहा गया विच इज हेल्ड बाई, हेल्ड ये जो हेल्ड शब्द है ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है? होल्ड हेल्ड हेल्ड, पास्ट टेंस का मतलब हिंदी में कौन सा काल है? भूतकाल, अर्थात जो बीत गया। तो हेल्ड का मतलब ये है कि जो सूचना पहले से आपके अभिलेखों में मौजूद है, रखी है। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू क्रिएट एनीथिंग, आप किसी नहीं करने वाले हैं, ये यहाँ यहाँ से क्लियर है कि जो पहले से मौजूद है। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है, इफ ऑल द थ्री कंडीशन आर ट्रू, तो इसका मतलब कि नागरिक का अधिकार बन गया, कार्रवाई करनी ही होगी। अब इसमें चार अधिकार सम्मिलित हैं, यही सूचना के चार। पहला इंस्पेक्शन ऑफ वर्क डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड, नागरिक हमारे कार्यालय में आकर पत्रावलियों का अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है। एक इम्पोर्टेंट बात जल्दी से कह दूं, मैंने प्रारंभ में कहा था 96 देशों में सूचना का अधिकार लागू हो चुका है, और पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि भारत का सूचना का अधिकार विश्व का सर्वश्रेष्ठ सूचना का अधिकार। उसके दो एविडेंस हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है, केवल भारत के नागरिक। पहला एविडेंस यही है, देखिए साहब, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ये दुनिया भर में है। माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय ने कहा कि ये क्रांतिकारी अधिनियम है, ये यथास्थिति में परिवर्तन कर देगा, क्रांति ला देगा। पहली चीज इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, ये जो इंस्पेक्शन ऑफ वर्क है ये दुनिया में कहीं नहीं, केवल भारत के नागरिकों को। सड़क, नाली, खड़ंजा, सीवर लाइन, डिस्प्ले सेंटर, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एनी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क, भारत का कोई भी नागरिक बिना कारण या प्रयोजन बताए उन कार्यों का निरीक्षण, ये दुनिया में कहीं नहीं। ठीक, वो आगे जो है डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड ये दुनिया भर में है, फाइलों का निरीक्षण, लेकिन जो वर्क वाला तो आप कहीं नहीं, केवल भारत के नागरिक। अगला एविडेंस जो आएगा आपको बताऊंगा, जब नागरिक निरीक्षण करने आया तो अपने साथ नोटबुक ला सकता है, उस नोटबुक में नोट्स ले सकता है। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट तो मतलब है कभी कभी कुछ नागरिक एक तालिका बना देते हैं 15 कॉलम कि मुझे ऐसे चाहिए, तो तालिका यदि आपकी पत्रावली में विद्यमान है, शासन ने कभी रिपोर्ट मांगी थी, आपने तालिका बनाई थी, तो दे दीजिए। दो तीन तालिकाओं से मिलकर काम होता तो भी दे दीजिए। अगर ऐसी कोई तालिका नहीं तो आपको तालिका बनानी नहीं है। जब नागरिक निरीक्षण करने आएगा तो 8-10 पत्रावलियों जिनसे वो तालिका बनती है उनके सामने रख दीजिए, वो अपनी पटरी लाएगा, अपनी पेंसिल लाएगा, एक्स्ट्रैक्ट ले लेगा, और यही वहीं पर वो स्पष्ट रूप से इंगित कर देता कि मुझे अमन पत्रावली के पृष्ठ संख्या 48 से 58 चाहिए, तो उनकी प्रमाणित छाया प्रति दे देंगे। एक प्रश्न होता है कि क्या छाया प्रति प्रमाणित करके देनी है? जी हाँ, अधिनियम में कहा गया है कि सर्टिफाइड कॉपी ही देनी है। इसके लिए आप एक गोल मुहर बना लीजिए, बेहतर होगा लाल रंग की बना लीजिए, और उस पर लिखवा लीजिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रमाणित, जो भी अभिलेख आप दें उस पर स्टैंप लगाइए और PIO साहब उसमें अपना इनिशियल करते हैं, प्रमाणित होगी। तीसरी चीज, ये दूसरा एविडेंस है जो दुनिया में कभी नहीं है, केवल भारत में। टेकिंग सूचना का 2005 के अंतर्गत प्रमाणित, सर्कुलर बनवा लीजिएगा उसमें बीच में इनिशियल कर दीजिए। नंबर तीन, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल ऑफ मटेरियल, सामग्री का प्रमाणित नमूना लेना, ये भी दुनिया में कहीं नहीं। जो नंबर एक पे था, जब नागरिक निरीक्षण करने आया, अगर मान लीजिए कोई निर्माण संस्था है तो वहां जो निर्माण सामग्री प्रयोग की जा रही है, कंक्रीटिंग चल रही है, प्लास्टरिंग चल रही है, कुछ और चल रहा है, उस सामग्री का प्रमाणित नमूना भी ले सकता है, ये भी दुनिया में कहीं नहीं। ये दो चीजें ही पर्याप्त है क्रांति लाने के लिए। चौथा, यदि इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में, दो प्रकार से ले सकता है, या तो प्रिंट आउट के लिए कह सकता है कि प्रिंट आउट चाहिए, उसके अलावा सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में जो नियमावली प्रावधान है, जी
तेरे मुझसे कुछ हुआ तो नहीं? अच्छा ठीक है, आगे हम देखेंगे। नियम पांच का विधान है सॉफ्ट कॉपी के लिए, वो है फ्लॉपी या डिस्क, सीडी। फ्लॉपी ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब बची सीडी। तो मैं कह सकता हूँ कि नागरिक या तो प्रिंट आउट आपसे मांग सकता है या सीडी में इंफॉर्मेशन देने की मांग कर सकता है। ये राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट, अब हम आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया देखेंगे। नियमावली क्या है? अभी तक हमने नियमावली का कोई प्रावधान नहीं देखा, इसे हमने चार चरणों में बांटा है आवेदन प्रक्रिया। अब हम प्रारंभ से अंत तक देखेंगे, आवेदन पत्र प्राप्त होने से लेकर निस्तारण तक आपको करना क्या क्या, इसे हमने चार चरणों में बांटा। पहले हम आवेदन का प्रारंभिक परीक्षण करेंगे, कैसे देखेंगे, उसके बाद आवेदन का विस्तृत परीक्षण करेंगे, शुल्क की गणना कैसे होगी। देखिए ये हिंदी में है प्रेजेंटेशन, तो कभी कभी सिस्टम बदलने से फॉन्ट में थोड़ा सा बदलाव हो जाता कि अगर वो शरीफे वाला शाह की जगह षटकोण वाला शाह बन जाए, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन देखिए, तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा, बोलेंगे हम सही। शुल्क की गणना कैसे होगी और अंतिम चरण में आवेदन का निस्तारण कैसे होगा, यह ठीक। अब आगे जी, देखिए हमने प्रारंभ में कहा, याद किया और आपको याद कराया कि हम लोग सेवक हैं, हमारा मुख्य कार्य सेवा करना है। तो नागरिकों की सुविधा के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप एप्लीकेशन फॉर्म बना लिया गया, जिसे हमने प्रारूप दो, और हमने नागरिक को यह सुविधा प्रारूप दो, प्रारूप दो खोल दीजिए। देखिए जो आपको ये मटेरियल दिया गया है, इसमें प्लास्टिक के फोल्डर के भीतर, उसमें एक सफेद रंग की पुस्तिका है, वो जो है वो नियमावली के वो अंश है जो कि आपके काम के। नियमावली में 19-20 नियम है, सारे नियम जो है वो सूचना अधिकारी या प्रथम पीड़ित अधिकारी के काम के नहीं है, वो कई नियम जो है वो आयोग से संबंधित। तो जो आपके काम के नियम है वो इस सफेद पुस्तिका में एक्सट्रैक्ट करके दिए गए हैं, इसमें वो सारे प्रारूप भी हैं जो इसमें रेफर होंगे। तो प्रारूप तो इसमें संलग्न है, अंत में इसके प्रारूप देखेंगे तो इसमें प्रारूप तो संलग्न होगा। आगे फिर जो भी प्रारूप का नाम ये लेंगे वो आप इसमें देख सकते हैं, उसको आप क्लिक कर लीजिए। तो ये के लिए डिजाइन, नागरिक चाहे तो इस प्रारूप पर आवेदन कर सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये नागरिक की सुविधा के लिए, उससे बात नहीं करना, बैक इसको बैक कर दीजिए इसके। नागरिक यदि चाहे तो सादे कागज पर भी आवेदन कर सकता है, सादे कागज पर भी आवेदन कर सकता है, बस ये चीजें हमें चाहिए। आवेदक का नाम क्या है, आवेदक का नाम क्या है, हमारे कई कार्यक्रमों में इस पर आपत्ति होती है, आपने पिता पति का नाम क्यों पूछा, अभी मैं स्पष्ट करूंगा। पत्राचार का पता, जिससे कम्युनिकेट किया जा सके उस व्यक्ति से, जब किए गए शुल्क या बीपीएल प्रमाण पत्र का विवरण, मांगी गई सूचना का ब्यौरा, संपर्क फोन या मोबाइल या ऑप्शनल है यदि हो, और तीसरा आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। ये भी लोग कई बार प्रश्न करते हैं, अनसाइंड एप्लीकेशन आ गई, एंटरटेन करें ना करें, अनसाइंड एप्लीकेशन तो कागज के टुकड़े के बराबर है, आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान होना ही चाहिए। तो सादे कागज कौन सा मान्य है, स्वीकार्य है, विवरण का क्रम कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे पड़ता, और बेहतर होगा कि यदि इसमें कोई कमी रह गई है हो तो आवेदक को बुलाकर उस कमी को दूर करा लीजिए। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम सूचना प्रदान करने का प्रयास करें। बैक कर लीजिए, आगे चलिए। अब जरा देखेंगे प्रारंभिक परीक्षण और उसकी पावती। आवेदन ये चीज नोट करने की है कि जो आवेदन पत्र का प्रारूप नियम में दिया गया है, प्रारूप दो, वो एक गाइडेंस, वो मैंडेटरी नहीं है, वो सूचना मांगने वाले आवेदक को गाइडेंस के रूप में दिया गया है। इसलिए आप किसी का आवेदन किस आधार पर निरस्त नहीं करेंगे, ये आपने आवेदन जो है वो निर्धारित प्रारूप में दिया है।
अगर उसमें कोई कमी है, विवरण मान लीजिए उसने अपना पता नहीं लिखा है, तो आप उसको बुला के उसका पता उससे लिखवा लीजिए, उसका एप्लीकेशन में जो कमी है उसे पूरा करा लीजिए। लेकिन इस आधार पर आप निरस्त नहीं करेंगे उसके आवेदन को कि आपका आवेदन पत्र जो है वो प्रारूप दो पर नहीं है। प्रारूप दो आवेदकों के लिए एक तरह से गाइडेंस के रूप में। सर कभी कभी ऐसा होता है सर कि वो एप्लीकेशन मैंने काफी बार चेक कराया था, लेते हैं एप्लीकेशन सर, बट वो इनकार करते हैं सर हमने नहीं दिया है, एड्रेस के मामले में दिखा था, इनकार करते हैं हमने दिया ही नहीं सर। अगर ये चीज आपके सामने आई है उस पर आपने किसी कारणवश, वैसे तो आमतौर पर किसी की एप्लीकेशन पर हर एक को तो जांच नहीं होती कि उसने दी है कि नहीं दी है, लेकिन बाय चांस मान लीजिए आपसे उसकी जांच कराई और उस एड्रेस पर रहने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, नाम तो है मेरा लेकिन ये एप्लीकेशन मेरी नहीं है, तो आप उसका एक बयान रिकॉर्ड करके उसके साथ लगा दीजिए और उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दीजिए। इसमें एक और आपने पढ़ रहा था पोस्ट बॉक्स नंबर केवल नाम आप कुछ भी न दिया वो तकलीफ जो नाम और पिता का नाम और ये जो नहीं वो पते के रूप में उसने पोस्ट बॉक्स नंबर दिया था, पता ये बस हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर से हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नाम चाहिए। पिता के नाम पर अभी मैं बात करूंगा, लेकिन उसका अपना नाम चाहिए। आवेदन पत्र प्रारूप दो जो भी हमने दिया या प्रारूप तो कई सादे कागज पर प्राप्त किया जा सकता है, पीछे आपने देख लिया। आवेदन में आवेदक का नाम, आवेदक के पिता या पति का नाम और पत्राचार का पूर्ण पता होना चाहिए ताकि आवेदक से संपर्क किया जा सके। अब जरा पिता पति में देखते हैं, हो सकता है यदि आवेदन पत्र में नाम लिखा है हस्ताक्षर के ऊपर, दो स्थितियां हो सकती हैं, आवेदक ने अपना नाम नहीं लिखा केवल पदनाम लिखा है तो उसे नागरिक नहीं माना जाएगा क्योंकि धारा 3 में ये भारत के नागरिक को ही अधिकार है, लेकिन यदि आवेदक ने नाम लिख दिया या जो उसने लेटर हेड दिया उस पर नाम प्रिंटेड है, नाम दिख रहा है, तो उसके पदनाम को उसका पता माना जाएगा और अधिनियम के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। फादर के नाम पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए साहब, हमारा जो भारत है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, रूरल इंडिया एंड अर्बन इंडिया। असली भारत कहाँ है, रूरल या अर्बन? तो अभी हमारे गाँव में जैसे शहरों में मकान नंबर होते हैं सामान्यतः उस प्रकार नहीं होते, चंद गांव में शायद होते भी होंगे। तो शहर में तो आप कह देते हैं कि उसका सी इतने बटे इतना नंबर आ गया, आगे पूरा पता दिया हुआ, लेकिन गांव में जनरली ऐसा नहीं होता। मान लीजिए राम खिलावन नाम के 5 व्यक्ति हैं और किसी पर्टिकुलर राम खिलावन को मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करना है कि उसका पत्र उस तक पहुंचे, तो वहां मुझे पिता या पति के नाम की आवश्यकता है। तो ये इंडिकेटिव है, गाँव में अगर उसने मकान नंबर दे दिया है तो पिता पति का नाम पूछने की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य केवल इतना है कि हम पत्राचार सही व्यक्ति के कर सके, इसी दृष्टिकोण से हम पिता पति का नाम पूछ रहे हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं, दिस इज नॉट मैंडेटरी। अपना नाम मैंडेटरी है, पिता या पति का नाम केवल पत्राचार करने के उद्देश्य से हम पूछ रहे हैं बस। आवेदन के साथ 10 रुपए की धनराशि नकद जमा करने की रसीद, अब जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, 10 रुपए की धनराशि नकद पर हम रुके नहीं, सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा, नकद जमा करने की रसीद, तो अधिनियम रसीद की बात कर रहा, अभी हम इसको आगे स्पष्ट करेंगे, या डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या पोस्टल ऑर्डर संलग्न होना चाहिए, लेकिन प्रश्न होता है आवेदक तो नकद ही ले आता या डाक से नकद ही उसमें अटैच होकर आ जाता, तो आपके यहाँ कैशियर या जो भी व्यवस्था हो नकद पैसा वहां जमा करा दीजिए और रसीद प्राप्त कर लीजिए और रसीद की एक कॉपी हमें आवेदक को देनी। बीपीएल श्रेणी के आवेदकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, परंतु आवेदन पत्र के साथ बीपीएल श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। यहां भी भ्रम रहता, हमारे कुछ साथी कहते हैं कि आप उससे केवल 10 रुपए का आवेदन शुल्क नहीं लेना, सूचना कब लेना, नहीं ऐसा नहीं, धारा 7-5 का परंतु यह बताता है
कि बीपीएल श्रेणी के आवेदक से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बीपीएल श्रेणी के आवेदक से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बीपीएल का हमने आपसे बीपीएल का कोई प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है। हर व्यक्ति सूचना आगे डिस्कस करें। हाँ शुल्क बताइए। हाँ वो भी निःशुल्क दी जाएगी। मीट आउट अभी वर्तमान में इसके लिए अलग बजट नहीं है, लेकिन अभी आप उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस पर या ऑफिस एक्सपेंसेस पर बुक करिए, ठीक है, उससे शुल्क आप नहीं ले सकते अधिनियम के अनुसार। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपके सामने स्वतः स्पष्ट हो जाएगा यदि आप अपने दायित्व को सही तरीके से समझें। जन सूचना अधिकारी का दायित्व है सूचना उपलब्ध कराना, सूचना न देने के कारण ढूंढना आपका काम नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि अधिक से अधिक आवेदक की मदद करना आपका काम है। यदि कोई आवेदक 10 रुपया नकद देता है आपको, तो आप इस आधार पर मना मत करिए कि नहीं नहीं आप जाइए इसका पोस्टल ऑर्डर लेकर के आइए। आपके दफ्तर में कहीं ना कहीं नकद प्राप्ति की रसीद देने की व्यवस्था होगी, अगर है तो उस 10 रुपए को वहां जमा करा दीजिए, उस व्यक्ति के नाम एक रसीद बनवाकर वो फाइल लगा दीजिए। अगर 10 रुपए का नोट आपको डाक से आ गया है लगाकर फिर लगा के भेज देते हैं अपने आवेदन पत्र के साथ में, उस पैसे को उस व्यक्ति के नाम से जमा करा के उसकी रसीद उसकी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दीजिए, ताकि वो कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए, आप उसे सूचना देने की स्थिति में आ जाए। बतौर पीआईओ आपका दायित्व प्रथम और प्रमुख दायित्व है सूचना उपलब्ध कराना, सूचना न देने के बहाने ढूंढना या कारण ढूंढना यह आपका काम नहीं है। तो आप उसको कितनी मदद कर सकते हैं उसकी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए, ताकि वो जो व्यवस्था की आवश्यकता है कि शुल्क का जमा करने की रसीद होनी चाहिए, कैश नहीं होना चाहिए, तो वो जमा करने की रसीद क्रिएट कराइए, उस कैश को जमा करा दीजिए, रसीद उसके नाम की बनवा करके उसकी एप्लीकेशन के साथ में प्रति कर दीजिए। थैंक यू सर। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि अधिनियम में यहां तक प्रावधान है कि आवेदक को आवेदन पत्र लिखने में आप मदद करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना मतलब आवेदक के पक्ष में है कि वो अगर प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र नहीं लिख सकता तो आप उसकी मदद करेंगे। इससे सारी चीजें क्लियर है कि कितना आप आवेदक के प्रति आपकी जवाब देगी। थैंक यू सर। नाम पता और आवेदन शुल्क, और अगर प्रमाण पत्र सही है तो कोई शुल्क नहीं। इस आवेदन को जन सूचना अधिकारी प्रारूप 3 पर बनाएगा रजिस्टर पर अंकित करेंगे। रजिस्टर देख लीजिए, प्रारूप 3 का रजिस्टर दिखा दीजिए। देखिए ये रजिस्टर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा आपसे अनुरोध है कि इस प्रशिक्षण के उपरांत जब आप प्रथम बार कराया जाए संभव तक करें, तो जाते ही यदि यह रजिस्टर नहीं बना है तो इसे बनवा दीजिएगा प्रारूप 3। यहाँ दो शब्द मैं कहना चाहूंगा। इस नियमावली के आने से पहले कोई व्यवस्था नहीं थी ये जानने की कि जन सूचना अधिकारी के पास पिछले 15 दिन में, पिछले 6 महीने में, पिछले 1 वर्ष में कितने आवेदन पत्र आए जिनमें सूचना मांगी गई, उन आवेदन पत्रों में आवेदक का नाम क्या था, पता क्या था, क्या सूचना मांगी गई थी, उस पर क्या किया गया, वो सूचना भेजी गई, यदि भेजी गई तो किस डेट में भेजी गई, ऐसा कोई विवरण कोई रिकॉर्ड जन सूचना अधिकारी के पास नहीं था। इस नियमावली के द्वारा इस कमी को पूरा किया गया है। प्रारूप 3 एक बेसिक रजिस्टर है जो हर जन सूचना अधिकारी को खोलना है, जिसमें जो एप्लीकेशन आपके पास आ रही है सूचना मांगने की उसका उस एप्लीकेशन को इसमें दर्ज करना है, और चरणबद्ध तरीके से जो भी उस पर कार्रवाई होती जा रही है उस एप्लीकेशन पर वो इसके कॉलम्स में एंटर कर दीजिए, ताकि जब वो डिस्पोज हो जाए तो इसके कॉलम्स प्रॉपरली बता सके पूरी कहानी। ये जो रजिस्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण है।
और जैसा कि मेहतारी साहब कह रहे थे इस स्क्रीनिंग के बाद वापस जाए तो सबसे पहले ये रजिस्टर अपने यहाँ जरूर खुलवा लें, क्योंकि ये रजिस्टर जो है ये एक तरह से रिकॉर्ड बेसिस है आपकी कार्रवाई के बारे में बात करने का। एक चीज मैं और जोड़ दूं, आयोग के सामने जब भी कोई बात आ रही है आयोग अब ये रजिस्टर मंगवा रहा है, जिससे तय हो सके जिम्मेदारी किसकी थी, किसके द्वारा सूचना नहीं दी गई, उस टाइम पीरियड में कौन मौजूद था। होता आमतौर पर यह है कि जिस समय सूचना मांगे उस समय कोई दूसरा अधिकारी होता था, जब सूचना दिए जाने का आदेश होता था कोई दूसरा अधिकारी होता था। इससे तय होता है कि किस जन सूचना अधिकारी की दायित्व थी, किसने अपने दायित्व का पालन नहीं किया। इसलिए रजिस्टर जरूर बनवा लें, क्योंकि ये रजिस्टर ही आयोग का मंगवा रहा है। सर एक आवेदक ने डाक से हमें अपना एप्लीकेशन दिया, नाम है मगर उसमें पता उसमें नहीं है और कोई ऐसा हमें नहीं मिल रहा है जिससे हम उस पते को पा सकते हैं। अगर आप देखिए बहुत स्पष्ट बात, कॉमन सेंस का प्रयोग करिए, अगर उसने पता ही नहीं लिखा है और डाक से आपके पास एक चिट्ठी आई है जिसमें उसका पता ही नहीं करते, केवल उसने अपना नाम लिखा है और कोई तरीका नहीं है उसका पता निकालने का, तो लेट्स